हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो तेजस को लेके एक काफ़ी बैड न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें ये बताया गया है कि मलेशिया का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर था, जिसमें मलेशिया के द्वारा 18 लाइट फाइटर्स को खरीदा जाने वाला था, उसमें तेजस हार गया है और कोरिया का F-15 जीत गया है और ये टेंडर कोरिया के F-15 को मिल गया है। अब साउथ कोरिया के साथ मलेशिया ने टेंडर को साइन कर लिया है और ये जो टोटल डील है वो 920 मिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें साउथ कोरिया को मलेशिया को टोटल 18 F-15 फाइटर जेट डिलीवर करने हैं। अगर हम इस टेंडर की बात करें तो इस टेंडर में जो लीड फाइटर थे वो थे चाइना का JF-17, इंडिया का तेजस और साउथ कोरिया का F-15, लेकिन फाइनल राउंड में जाके सिर्फ तेजस और कोरिया का F-15 ही बचे हुए थे, लेकिन अब तेजस को बाहर कर दिया गया है और मलेशिया के द्वारा F-15 को चुन लिया गया। ये जो F-15 है ये एक लीड इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। पहले हम ये आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा तेजस के किस वेरिएंट को मलेशिया को ऑफर किया गया था। तो हाल के द्वारा मलेशिया को तेजस के तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट पे बेस्ड होने वाले एयरक्राफ्ट को ही मलेशिया को ऑफर किया गया था और ये तेजस का काफ़ी एडवांस वर्जन था। यही वर्जन इंडियन एयरफोर्स को अगले साल से मिलना स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो अगर हम इस एयरक्राफ्ट को देखें तो ये कोरिया के F-15 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इस कोरिया के F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो ये एक लीड इन फाइटर ट्रेनर है, यानी कि इसके द्वारा पायलट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है और इसे बैटल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरिया और मलेशिया के बीच में इसके सबसे एडवांस वर्जन ब्लॉक 20 को ही डील में शामिल किया गया था और उसी को अब कोरिया सप्लाई भी करेगा। इसका जो ब्लॉक 20 है वो सबसे एडवांस वर्जन है इस एयरक्राफ्ट का। हालांकि ये जो ब्लॉक 20 है इसका, इसमें कई सारे वेपन्स के जो इंटीग्रेशन है वो अभी बचे हुए हैं और उन्हें इंटीग्रेट करने के बाद उनका ट्रायल भी अभी करना है, लेकिन उसके बावजूद भी मलेशिया ने इन्हें सेलेक्ट किया है। अगर हम इसके BBR मिसाइल की बात करें तो इसमें प्लान्ड किया गया है कि आगे चल के M120 एमराम मिसाइल को लगाया जाएगा, जो कि एक अमेरिकन एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी अच्छी तरीके से फायर कर सकता है और ये एक वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है। लेकिन हम आपको बता दें कि तेजस के सामने ये कहीं भी नहीं टिकता। हमारा तेजस इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। तेजस ऑलमोस्ट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि ये एक लगभग 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हम आपको बता दें कि जो तेजस की बॉडी है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है, जिससे उसका RCS काफ़ी ज़्यादा छोटा है और वो इससे अच्छी स्पीड के साथ आता है, इससे ज़्यादा रेंज के साथ आता है और उसमें वाइड वैरायटी के वेपन्स लगे हुए हैं, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और वाइड वैरायटी के गाइडेड व अनगाइडेड बॉम्ब्स लगे हुए हैं, जो हर मामलों में इस F-15 फाइटर जेट से अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस को इस टेंडर से बाहर क्यों कर दिया गया और कोरिया के F-15 को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, तो इसके पीछे मुझे केवल दो रीज़न ही समझ में आते हैं। पहला है तेजस की प्राइस को लेके। तेजस हर मामलों में इस F-15 से सुपीरियर तो है, उसी तरह प्राइस भी तेजस का इससे ज़्यादा है और ये जो F-15 फाइटर जेट है तेजस से सस्ता एयरक्राफ्ट है, तो इस वजह से हो सकता है कि जो मलेशिया है उसने F-15 को चूज़ किया। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो अभी काफ़ी नया एयरक्राफ्ट है और उसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इसके Mk1 के वेरिएंट को। बाकी जो हमारा Mk1A वेरिएंट है वो अभी अगले साल आएगा और कोरिया के F-15 को कई सारे देशों के द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी जो सेल्स और सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे तेजस से। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मलेशिया ने तेजस के अलावा F-15 को चूज़ किया है। कुल मिला के देखें तो जो तेजस की मार्केटिंग है वो अभी इस कोरियाई F-15 से पीछे है, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर में तेजस एयरक्राफ्ट को कुछ देशों की एयरफोर्स में देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो आज के वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।